झगड़ू रे मोरी लाल आतन को नदायार रहते ऐ बुढ़िया, मैं तुम्हें लाश देने के लिए नहीं बुलाया हूं, मैं तुम्हें यहां लाश बनाने के लिए बुलाया हूं। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तीनों को एक साथ भगवान के घर भेज दूंगा, ताकि भगवान भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। अरे गोर तोरा लगिए रे बाबू रे, अरे पैया तोरा रे पारी, ऐसा करो तुम लाश कम से कम। मैं कह दिया कि लाश नहीं मिलेगा, लाश तो अब तू बनोगे। ए द्वारपाल, द्वारपाल फांसी की फंदे तैयार करो और ये तीनों को फांसी पर लटका दो, न रहे बांस न बाजे बांसुरी, समाप्त कर दो। अरे नहीं जावाई, अरे बचते रे दुश्मन, अरे तोहरो के या जूरे जाना,
एक दो तीन का आवाज लगाऊंगा, ये डोरी खींच देना, ये तीनों भगवान की घर चला जाएगा। तैयार हो जाओ। काला खैनी भी खाता है, गड़बड़ सतर्क हो जाओ। एक दो तीन, बहन बीजमा। हाँ भैया। तो क्यों आई हो यहाँ? भैया ये अभी फांसी लगा के अच्छे काम नहीं कर रहे हो आप। क्यों? ये अच्छा नहीं कर रहा हूं। ये अभी भादो का समय है, अगले महीने आसिन का समय है, माँ दुर्गा के मेला भी लगेगी, सब कोई भेरा और पार्टी का ही बलिदान देता है। अच्छा, लेकिन आप उस समय भाई का ही बलिदान दे दीजिएगा कि देवी माँ खुश भी हो जाएगी। ओ, यानी तुम्हारी कहना ये होती है कि अभी इसे मारने से कोई फायदा नहीं। हाँ भैया। सामने आसिन दुर्गा पूजा आ रहा है, उस समय बलि दे देने से माँ देवी खुश हो जाएगी। हाँ उस समय माँ देवी भी खुश हो जाएगी बहुत। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को मान लिया, तो हमारी एकलौती बहन है, लेकिन एक बात बताओ कि इसे देखभाल कौन करेगी? मैं करूंगी देखभाल। क्या रे द्वारपाल? ये कह रही है हमारी बहन कि भैया अगर इसे आप अभी बलि देते हैं तो कोई फायदा नहीं, आसिन दुर्गा पूजा में इसे बलि देंगे तो माँ देवी खुश हो जाएगी। नहीं भैया, ये दरबारी के बात पर मत रहिए, आप निफिक्र हो जाइए और हवाले कर दीजिए हमें, हम खुद नामी का दिन आपको हवाले कर देंगे। ठीक है द्वारपाल, बाहर का ड्यूटी तुम्हारा हुआ, बाहर की ड्यूटी तू करोगे, बाहर की ड्यूटी तू करोगे, भीतर घर की ड्यूटी ये करेगी, ये भाग नहीं पावे। सुन ले बिजमा, अगर ये भाग गया तो इसके बदले मैं तुम्हें वो हाल करूंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। भैया आप चिंता नहीं कीजिए, निश्चिंत जाइए, मैं इसके देखभाल खुद करूंगी। ठीक है मैं जा रहा हूँ, बस नवमी के रोज आऊंगा, ये तीनों जीव हमें मिलना चाहिए। ठीक है आप जाइए, मैं आवाज हवाले कर दूंगी भैया। ठीक है मैं चलता हूँ।
आज अपने भाई को फांसी से उतार दिया, अपनी चाची को फांसी से उतार दिया। बेटी मैं तुम्हारी उपकार कभी नहीं भूलूंगी। चाची ये तो हमें कुछ एहसान का बोझ नहीं है, एहसान का बोझ अभी बहुत बाकी है, क्योंकि यहाँ लेट मत करो भैया, चारों गेट में ताला मार के चले गए, लेकिन पाछे का गली का गेट होता है वो खुला है, उसी से भाग चली जाओ अपनी नैहर चाची, तभी तो जान बचेगी भाई का। और तो हमारे भैया परम चंडाल है, जान नहीं छोड़ेगा चाची, यहाँ से भाग चलो। क्या गली का रास्ता खुला हुआ है, गली से तू निकालना चाहती हो? ठीक बेटा, तुम्हारी बहन विजवा फांसी से तो उतार दिया, लेकिन चारों तरफ गेट पर ताला लगी हुई है, गली वाला रास्ता खुला हुआ है, गली से निकालना चाहती है, निकल कर चलो, मैं नैहर की ओर चली जाऊं। रामचंद्र, डॉक्टर कहो घर की समाचार कैसा है? घर के हमरा तो कल ये बाहर में रहे था, बाहर का समाचार पूछबे के घर के। बिल्कुल ठीक कह रहा, बहन बीजमा कहाँ है? बीजमा अपन घर में, जाओ उसे बुला कर लाओ। कने गलू हे दीपलसनी, बोलल भाई सुन। बहन बीजमा। हाँ भैया। तुम्हें तो खूब याद होगी कि आज मैं तुम्हारे सामने क्यों आया हूँ। भैया याद तो है ही, लेकिन चाची किस रास्ते से चली गई घर के मुझे पता नहीं है भैया। बीजमा तुम मेरे साथ छल कर रही हो? नहीं, वो तीनों है कहाँ? उसे हवाले कर दे। नहीं भैया, मैं छल नहीं कर रही हूँ, मैं वहां से घर से चल के आ ही रही थी, तब तक द्वारपाल बुला लिए, मैं तो आपके कहने के लिए आ रहे थे घर से भैया। और के कह लेता गबा जी के बीजमा, ये तू के हमारा से आगे छल करके तू सामान के तू आगे दिया के भगाई, आगे कल तक बाजी के बीजमा तू के हम तू
बीजमा सुन ले हमारे दिल के बात, बीजमा सुन ले हमारे दिल के बात, जिंदा जला देगा हम तोहर। नहीं भैया ऐसा ना कीजिए। बीजमा। हाँ भैया। तू मेरे साथ बहुत भारी गलती की है। वो मेरे रास्ते की काटा था जिसे तूने भगा दी और झूठ बोल रही हो। नहीं भैया माफ कर दीजिए हमें, मैं जान से खुद नहीं भगाई हूँ, कब भाग के चली गई मुझे पता नहीं है भैया। पापी अगर सामने श्रावण की पूर्णिमा नहीं आता तो अभी मैं तुम्हें जिंदा जमीन में दफना देता, लेकिन तू दो भाई की भैयारी में एक बहन है, फिर मेरे कलाई में राखी कौन बांधेगी। इसलिए मैं जाओ तुम्हें छोड़ रहा हूं, आखिर आज न कल मेरा मौत जरूर होगी। द्वारपाल। काल मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। बिल्कुल ठीक कहते हो। आपको बुद्धि तो उसी दिन मर गया, हम कहे मत छोड़िए इसको, फांसी खींच दीजिए। ये बहन नहीं ये कलंकनी है। आप सोचे कि हमारा बहन बहुत बढ़िया बात कह रहा है, खूब अच्छा कह रहा है, तो मर गया हमारा। द्वारपाल ऐसा करो आज तुम्हें मोची बनना होगा। मोची? मोची मोच वाला, मोच वाला। ए हरम ज्यादा मोच वाला नहीं का? मोची एक जात होता है। वो कैसन जात हो? राम जानते हो, जिसका टाइटल राम होता है ना। राम भी नहीं समझते हो? राम तो भगवान है। साला तू कौन देश का है रे? अरे चमार जानते हो? ओ, चमार। सरकार ऐसा नौकरी आप अपना टोकरी में रखिए, हम जात के अदल बदल करने वाला बेटा नहीं है। तू जात की अदल बदल करने वाला बेटा नहीं? जी नहीं। तू कौन जाती है? हम बहुत स्टैंडर्ड जात है। कैसा जाती है स्टैंडर्ड? सबसे बड़का जात। सबसे बड़ा जात तो लोग ब्राह्मण को मानते हैं, सबसे श्रेष्ठ होते हैं वो। उनसे भी हम बड़े हैं। माने तू ब्राह्मण से भी बड़ा है? हाँ। कौन जाती है तू? हम जात के हलखोर हैं। कहीं का तू जात के हलखोर है, स्टैंडर्ड जात है। तुमको तो लोग सुन लेंगे कि ये झगरू सिंह का नौकर वो हलखोर है, तो तुमको आना जाना बंद कर देंगे, पानी छूना बंद कर देंगे। हमरा पहले नौकरी मिल जाए छे सरकारी। लीजिए ये हरिजन है, सबसे नीचे जाती है, इसलिए इसको पहले नौकरी मिलती है। ये कहता है कि हम सबसे बड़का हो गया। अरे तुमसे कहीं अच्छा हुआ बेचारा चमार होते हैं। हमरा से निमन चमार। हाँ दूसरा के गोर के चप्पल से निमन चमार। ये बेहुदा के चप्पल सीने से क्या होगा, लेकिन तुमसे ऊंचे जाती है। लेकिन औजार नहीं है से? औजार नहीं तो उस्ताद जी से मांग लो। भाई जी तन देबू। इसी तरीका से मांगा जाता है, भाई जी तनी देबू। जाकर कहो कि उस्ताद जरा ये अपने जो बजाने वाला सामान है तो दीजिए। तनी लावा हो। ए मारता मारता के दांत है बिना करे मारा दांत ना। मालिक एक राखे ना धरिए हो करने भी नहीं आता ना। हम कभी बाप जला मैं एकटा बजाई लिया से ऐसे पकड़ता है देखो। ऐसे पकड़बो? हां तना बजाबे बजाने का भी सिखा दूं तो बजाबे के सिखबे? ऐसे बजाएगा दूर चमार कर पकड़। कसा साल पहले मियां मुसलमान था, रबीदा चमार था, ज्यादा भाई गोवार थे, भैंसी पर सवार थे, आज भी है और कल भी ज्यादा कही न कुछ पूछा न कुछ समझा। 100 साल पहले रविदा चमार था, ज्यादा भाई गुवार थे, भैंसी पर सवार और हम ज्यादा कहीं का साला तू नहीं सुधरेगा। तुमको पूछना चाहिए कि क्या बोल करके हमें बजाना होगा। वो नहीं कहना है, कहना ये है
जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे तुम्हें कहना है। सुन लो गांव वाले, सुन लो गांव वाले, ये बाबू झगड़ू सिंह का ऑर्डर है, ये बाबू झगड़ू सिंह का ऑर्डर है कि जो रानी देवला, जो रानी देवला, आल्हा सिंह, आल्हा सिंह, उदय चंद, उदय चंद, ये तीनों को बिलवाएगा, तीनों को बिलवाएगा, उसे बाले बच्चे को भार से झोंक दिया जाएगा, उसे बाले बच्चे को भार से झोंक दिया जाएगा, किला में आग लगा दिया जाएगा, किला में आग लगा दिया जाएगा, उतना ही कहकर, इतना ही कहकर बजाओ, बजाओ और समझाओ, बजाओ कहो, अरे मेरा कहानी खत्म हो गया, अरे मेरा कहानी खत्म हो गया, उल्लू, ए उल्लू, ए चपार, ए चपार, नलाई, नलाई, गधा, गधा, कहीं जगा दिया ही हो, बेहुदा कहीं के पूरा उल्लू चपाट गधा वगैरह कब कहने का शुरू कर दिया। आप बिना कहे को पता नहीं छोड़ना, सब बात बोलना। अरे जिस समय मैंने कहा कि मेरा कहानी खत्म हो गया अब तू शुरू करो तो सब कुछ कहना शुरू कर दिया तू। हमरा पहले वो बात कही के। जैसे मैंने कहा कहकर क्या लगाओ यार, डिगडिगिया पड़ रहा है, से कोई कुश्ती नहीं लग रहा है मेला। हमारे बाबू झगड़ू सिंह का ऑर्डर है कि एकाउनो किला के सुन ले राजा महाराजा पर जा, जो अल्लाह रुदल देवला को रखेगा उसे बाले बच्चे के भार से झोंक दिया जाएगा, किला में आग लगा दिया जाएगा, मसाला पीसने वाला सिल्ला लोरी ले लिया जाएगा, आटा पीसने वाला चक्की ले लिया जाएगा, चूल्हा खाना बनाने वाला ले लिया जाएगा, उसको मसाला जल्दी पीस दिया जाएगा। बाबू झगड़ू सिंह का ऑर्डर है, आप लोग रखिएगा नहीं, ना तो चूल्हा सिलौटा से बात पकड़िए। आराम ज्यादा कहे चूल्हा सिलौटा सब को जोड़ दिया एक के साथ बेहूदा कहे, अरे सब चल जाएगा, हो गया, अब पता लगाते रहना। बोलो ससुराल से लोग कहाँ जाए छे बेटी? ससुराल से दिक्कत होती है तो नैहर की ओर जाती है, अपना मायके जाती है। वो जाएगा गढ़ूरल, बीच में पड़ता है नदी। अच्छा हम बन जाते हैं मला, जाते हैं नदी पर सूतेंगे, वही गंगा जी पार करेगा नदी, वही में नैया को डुबा देंगे, भागेंगे। शाबाश, जाओ, उसे कहीं भी मर जाना चाहिए, गंगा जी में डुबा, बिल्कुल जाओ, कपार ठोकू, ईटा से कपाट ठोक दूं बेहुदा जी। बेटा अब यहां से चलना है नैहर। हाँ माँ। नैहर में दो चार दिन मैं गंवा कर और उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे क्या होगा, लेकिन मेरा भाई बहुत दयालु है, दो चार दिन जरूर बिलवा कर रखेगा। ठीक है, लेकिन चलते चलते इस सामने नदी है, नदी कैसे पार करोगे? यही बात तो हम भी सोच रहे हैं माँ, जो ये नदी हम लोग कैसे पार उतरेंगे? अब कहमा जाई कहमा जाई, अब के करा कुवरिया जा, अब चारों से लागल बाटे, अब चारों से लागल पाटे, बजरी के मरिया रा, ओ कहाँ जाई कहाँ जाई
सामने एक नजर है, नजर सामने देखो कि नदी के घाट पर कोई सोया हुआ है, उसे जगा कर देखो। ठीक है माँ, इसे जगा करके हम देखते हैं। ओ भाई, क्या करे? भाई हमको घाट पार उतरना है। मछली जा रही छे, साले अलियों को है जगह गोत का मार दो। भैया मछली पकड़ने वाले हम नहीं है। हाँ, घाट वही पार उतरने वाले हैं। वही पार का आदमी आ का? दो आदमी तार घाट पर रुक का सवेरे होता होता आदमी से जुटा छे देख के मेरे पार कर देबो। भैया हां, सूरत के मारे है ऐसे की दिया जो हमको पार उतार दिया। ओ पार उतार बो? अरे बाप रे बाप रे, रातों में सोते ना दे जाइए। दो आदमी आ का लागतो 1000 रुपया। बोला पूछ गया बो। माँ तुम्हारे पास में पैसा वैसा है? लेकिन वो मला तो मानता ही नहीं है, कहता है 1000 रुपया लगेगा दो आदमी को, पैसा तो है नहीं, क्या करोगी माँ? भैया मला, मेरे पास तो एक पैसा है नहीं, मैं तो मुसीबत की मारू ही भागी जा रही हूँ नैहर। अगर आप पार उतार देते तो बड़ी आपकी उपकार होगी। बड़ा मुसीबत में फंसा लगा। हाँ भैया। पैसा ना हो? नहीं। बहुत गरीब आदमी है का? बहुत गरीब। इतवार बेटा हो? हाँ मेरा बेटा है। एक बात करो ना, हमरो कोई ना हो, बे कमाई से सब पैसा हमरा सर्वे कर रही है, हमरा से बियाह कर लो आ खाइया तू हूँ बेटो खतो आ रह, मुसीबत तोरो टर जतो आ हमरो मुसीबत टर जाए। ओ शादी करना चाहते हो? तो ओना ते हम किया अभी ना भेले अभी आया। क्या शादी करने से तू पार उतार दोगे? हाँ पार उतार दे भाई, वो पार में हमर घर है। अरे हमरा से असुंदरे के बेटा आप ही मेरे साथ।